पटना सिटी अब नकली सामानों का मंडी बन गया है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पर ब्रांडेड कंपनी के नकली सामान ना बनते हो। ऐसा हम नहीं बल्कि जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बयान कर रही हैं। दरअसल ऐसा ही एक मामला फतुहा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर से सामने आया है, जहां से भारी मात्रा में जिंदल जो नामी कंपनी है उसके नकली करकट शेड बरामद किए गए हैं। ब्रांडेड प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों ने फतुहा पुलिस के सहयोग से फतुहा के गोविंदपुर में सुनील करकट हाउस में छापेमारी की है। आप तस्वीरें देखिए जहां छापेमारी के दौरान जिंदल कंपनी के नकली करकट शेड बरामद किए जा रहे हैं। छापेमारी दल को देख पूरे बाजार में हड़कंप मच गया है। पुलिस जब दुकान में घुसी तो भारी मात्रा में नकली शेड पाया गया है। ब्रांड प्रोडक्शन कंपनी के अधिकारी मुस्तफा हुसैन ने बताया कि हम लोगों को बहुत पहले से शिकायत मिल रही थी, फतुहा के एक दुकान में जिंदल कंपनी का नकली शेड बनाया जा रहा था। हमने फतुहा पुलिस के सहयोग से दुकान में छापेमारी की, जिसके बाद दुकान में से करीब 15 लाख रुपए के नकली शेड बरामद किए गए हैं। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं ब्रांड प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड के अधिकारी मुस्तफा हुसैन, आइए पहले आपको वो सुनाते हैं। हमारी क्लाइंट कंपनी है जिंदल इंडिया लिमिटेड, मतलब जिंदल इंडिया लिमिटेड का हमारे पास मेल भी आया था, उनके सेल्स टीम के द्वारा उन लोग मतलब इन्फॉर्मेशन रहता है कि मतलब फतुहा थाना एरिया में गोविंदगंज में यहाँ पर ये है सुनील करकट हाउस, ये जिंदल के नाम पर नकली प्रोडक्ट जो है काफ़ी दिनों से पिछले सालों से ये नकली बेच रहे हैं। तो इस बात का सूचना जब हम लोगों को मिला तब इसके बाद हम लोग है SSP साहब जो अभी ग्रामीण SP साहब की चार्ज में हैं उनको इन्फॉर्मेशन दिए हैं, फिर पटना इधर के जो है फतुहा के जो DSP साहब उनको सूचना दिए हैं, फिर उन लोगों के सूचना पर यहाँ पर फतुहा थाने की पुलिस के सहयोग से यहाँ पर छापेमारी किया गया। तो लगभग 15 लाख रुपये का नकली जिंदल का जो है शीट है यहाँ बरामद किया गया। इसके अलावा कोई भी ब्रांड बरामद किया गया? इसके अलावा यहाँ पर JSW का भी ब्रांड था नकली, टाटा का भी नकली ब्रांड था और भी कंपनी का ब्रांड था, लेकिन उसको हम लोग नहीं उठाए हैं क्योंकि हम लोग जिंदल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। तो क्या माल की बरामदगी कारखाने लाई है? जी, और मतलब जब वहाँ पर एक्शन हुआ, रेड हुआ, तब उसके बाद से नकली प्रोडक्ट को पकड़ कर सामान लाया गया है और इसके जो मालिक हैं इनको भी पकड़ कर थाना लाया गया है, मंटू जी को। आगे के कुछ कार्रवाई होगी? आगे का इस पर अभी हम लोग सीजर बनेगा, FIR होगा। तो सुना आपने किस प्रकार से पटना सिटी अब नकल कारों की मंडी बन गई है। देखिए ये कोई पहली दफा नहीं हुआ होगा जब पटना सिटी में नकली ब्रांडेड सामान मिल रहा हो। दरअसल इससे पहले भी कई कंप्लेन आ चुके हैं, चाहे वो तेल को लेकर हो, पाउडर को लेकर हो या फिर आम चीजों को लेकर हो। पटना सिटी अब नकली सामानों की मंडी बनते जा रही है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है उसके अनुसार तो यही देखा जा रहा है कि यहाँ पर अब ब्रांडेड कंपनियों के नकली सामान मिलते रहते हैं।